पुलिस द्वारा क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए दो टीमें गठित कर अलग अलग कार्रवाई की गई, जिसमें खराबा घाट से 205 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब एवं खिड़िया घाट से 152 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब जब्त की गई है। मौके से 5 मोटरसाइकिल एवं 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर धारा 34(2)49A आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई जहरीली शराब एवं जब्त मोटरसाइकिलों की कीमत लगभग 1,40,000 आंकी गई है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ऋतु उपाध्याय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र में मादक पदार्थ पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए 350 लीटर अवैध जहरीली कच्ची शराब जब्त की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं मौके से 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 1,40,000 है। हमारे द्वारा लगातार ही अभियान चलाया जाएगा, क्षेत्र को हम अवैध मादक पदार्थों से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही सफलता मिलेगी। अवैध कच्ची शराब का है जो हमने खिड़िया और खराबा घाट से पकड़ी हुई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। इस समय अवैध शराब को रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाइयां करने के निर्देश दिए गए थे, उस संदर्भ में कार्रवाई की गई, जिसमें खराबा घाट में 205 लीटर शराब प्राप्त हुई है एवं 152 लीटर अवैध शराब प्राप्त हुई है खिड़िया घाट से। मैडम, ये पहले भी कई बार पुलिस अवैध शराब कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है, हो सकता है कई बार ये छोटे मोटे कार्य करते रहते हैं, ध्यान नहीं दिया जा सकता है, या फिर ये होता है कि कई बार जंगल के अंदर ये करते हैं काम, तो उस समय क्या है वो नज़र से बच जाते हैं। पर इस बार स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी यदि ये काम हो रहा है और हम जो बंद किए हैं काम, तो दोबारा ये काम शुरू नहीं होगा, है ना। हम गश्त के लिए स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि गश्त की ड्यूटी लगाई जाएगी और एक हफ्ते में कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ से आ जाके ये देखेगा कि कहीं जंगल में इस तरीके के काम तो हो नहीं रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कुरवाई से कलीम उल्लाह की रिपोर्ट।